सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट वी ऑल नो कि अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। ये तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला दूसरी मर्तबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा क्या मसला था? मतलब दूसरी मर्तबा भी आठ जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके, वो फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है, तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुनकर क्रिकेट ही ना छोड़ तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, तो मैंने बयान किया था इसलिए किया कि ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात तब्दील हुआ है, ये बहुत अरसे से एक मामला कहते हैं खिचड़ी पक रही थी, लावा जो है वो मौजूद था उसके बाद उसका ये एक एंडिंग पॉइंट है। सब ये जो इंजरीज हमारे प्लेयर्स को हो रही हैं, स्पेशली इतने बड़े इवेंट से पहले, गो के इनको बिल्कुल फिट होना चाहिए था, क्योंकि जब पता था कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है उसकी तैयारी हमें रखनी है और अपने आप को फिट रखना है और बचना है किसी भी तरह की इंजरी से। तो ऐसे में अभी खैर फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि बुखार भी उतर गया, घुटने की दर्द भी ठीक हो गई है। ये निशानी होती है एक नालायक प्लेयर की, ये निशानी होती है एक बुजदिल प्लेयर की जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सारी पेस बैटरी कहां चली गई? 150 140 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? सीम शाह की ये पिक्चर देखें, यहां पे इनका भी पेट आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। गर्मी इतनी है, पसीना आता है, शर्ट स्किन के साथ लगती है और जिनकी फिटनेस खराब है क्लियर नजर आ जाता है। अगर आप एक फौज में जंगजू की हैसियत से हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है यार फिर लड़ना पड़ेगा क्या यार, तो फिर बात ये नहीं रहती है। आप वॉरियर्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए जिसकी वजह से आगे बढ़ा, और हमारे वाले तो अनफिट हो जाते हैं। टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया, फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था। दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, वाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम दो अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। आपको वो भी याद होगा वेरी रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स गद्दे नीचे रख के उसके ऊपर कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेट इनके निकले हुए हैं। हमारे प्लेयर जो हैं इनसे तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलोमीटर की जो रन था, जो 2 किलोमीटर में रनिंग करनी थी वो 8 मिनट में ये मुकम्मल नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि 8.7 सेकंड यहाँ पर जाकर स्टॉप हुए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? नसीम शाह मेरा ख्याल है दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का जो मैच विनर है, पहला फखर जमान है, दूसरा नसीम शाह है, बाकी सारे नालायक हैं। 50 ओवर का प्लेयर तो है विराट कोहली, लेकिन T20 के लिए विराट कोहली सुटेबल नहीं है। ये बातें इंडिया में भी, जो भी इंटरनेशनल हो रही है, ये जो भी सोच रहा था, चाहे इंडिया में सोच रहा था चाहे कहीं भी, वो बहुत ही कोई बेवकूफ तरीन आदमी था जो अगर इंडिया में भी वो ये सोच रहा था कि विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों का टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में 8 अक्टूबर से खेला जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल है। वो इंग्लैंड सीरीज से पहले इसलिए अनफिट हो गए ताकि वो मतलब उसके ऊपर ब्लेम ना जा सके कि हार के जिम्मेदार यही खिलाड़ी हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की किस तरह की मेंटालिटी है जो पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को झकझोर कर रख दिया है, और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार किस तरह की पीसीबी इनकी फिटनेस टेस्ट ले रही है जो इन खिलाड़ियों की बिल्कुल भी फिटनेस नहीं है। फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है, तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुनकर क्रिकेट ही ना छोड़ तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज है और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मैार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, 900 विकेटें आपस में इन तीनों की हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा कि अभी 2-3 साल उनके अलावा भी कोई और फास्ट बॉलर आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही 3 चल रहे हैं और इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। बीच में हेजलवुड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी स्टार को होता है, कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये वाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, वाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम दो अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं किया था, उनका दूसरी मरतबा भी टेस्ट हुआ था
और दूसरी मरतबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मरतबा क्या मसला था, मतलब दूसरी पहली बार मरतबा भी आठ जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो, और 8 मिनट से ज़्यादा कर सके थे, तो 2 मरतबा फेल हुए फिटनेस टेस्ट में। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है कि फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पहले तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज़ कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला वाइट बॉल कैप्टन फिटनेस टेस्ट लूज़ कर गया, सऊद शकील फिटनेस टेस्ट लूज़ कर गया और बाकी भी प्लेयर फिटनेस टेस्ट लूज़ कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी मौजूदा पॉलिसी को बदल कर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कप्तानी के लिए भी बोर्ड को आंखें दिखाना शुरू कर दी अभी से ही। वैसे वो क्या हुआ कि बाबर आजम ने जब इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस रिजवान है, क्योंकि बोर्ड के पास और तो ऑप्शन एक सऊद शकील का था या मोहम्मद हारिस को T20 के अंदर भी गैरी क्रिस्टन कंसीडर करना चाहते थे कि मैं हारिस को जो है वो T20 के अंदर कप्तान बना दूं, बट हारिस को क्योंकि इंटरनेशनल कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस हैं पाकिस्तान के कप्तान बनने की, तो रिजवान भाईजान ने उनके करीबी ज़राए को लेके कल कुछ खबरें लगाई गई। टीम का माहौल खराब करके गलत टाइम पे दोबारा से कप्तानी पकड़ के टीम में ग्रुप्स बना के अपनी फेवरेट पोजीशंस पे बैटिंग करके पाकिस्तान को डरपोकों वाली क्रिकेट सिखा के, बल्कि पाकिस्तान प्लेयर्स को डरपोकों वाली क्रिकेट का इंजेक्शन लगा के खुद जबरदस्ती ओपनर आके अफगानिस्तान से हारने के बाद, जिम्बाब्वे से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, 7 टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में हारवाने के बाद, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट टूर से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको हम छोटा वर्ल्ड कप भी कहते हैं सिर्फ 3 महीने दूर है, टीम को जो कि पहले इतनी बिखरी हुई है फुल मुश्किल में डाल के वो गया आपका बाबर आजम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब इंग्लैंड सीरीज से पहले ही। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिटनेस टेस्ट में पास ही नहीं हो पा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मतलब जो सुपरस्टार खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी है, जो मतलब पूरी तरीके से इस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे हैं, 8 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये किस तरह के एथलीट्स हैं। जो ये पाकिस्तान मीडिया बातें करती है कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक है, नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, नंबर 1 बैटिंग अटैक है, लेकिन यही बैटिंग अटैक है जो यूएसए में इतनी बुरी तरीके यूएसए से ही खुद इतनी बुरी तरीके से हारी थी। मतलब वर्ल्ड कप में भारत में जब हो रहा था तो अफगानिस्तान टीम से पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरीके से हारी, अभी रिसेंट में 1 महीने हुए बांग्लादेश इन पाकिस्तानियों को इतना बुरी तरीके से कुत्तों जैसा धोया था, अभी आपने रिसेंट में देखा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी तरीके से पहले से एक्सपोज हो गई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे खिलाड़ियों का किस लेवल का फिटनेस होना चाहिए। और ये बातें करते हैं कि हर बार कंपेयर करते हैं बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ियों का मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कि बाबर आजम मतलब आप विराट कोहली से आगे निकल गया, साइंस आफरीदी बुमराह से आगे निकल गया, लेकिन इनकी फिटनेस मतलब ऐसी है कि मतलब इंग्लैंड सीरीज आने वाला है और उससे पहले ही पाकिस्तान के इतने सारे खिलाड़ी जो सुपर स्टार खिलाड़ी हैं वो भी पूरी तरीके से अनफिट हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम इन पाकिस्तानियों का क्या हाल करेगा और कुत्तों की तरह धोएगा इंग्लैंड की टीम इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।